दर्शक मित्रों नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट, वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 10 में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं कई सालों से यूएसए और कनाडा के इमिग्रेशन के बारे में आप सबको जानकारी देता हूँ। आज मैं जो ये वीजा विंडो हिंदी सीरीज स्टार्ट की है उसके 10वें पार्ट में आपको थोड़ी सी B1 यानी बिजनेस वीजा की और जानकारी देना चाहता हूँ। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 22 अप्रैल और 22 जून को दो प्रोक्लेमेशन, दो ढंडेरे बाहर निकाले, उसके अंदर बिजनेस वीजा के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप अगर बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना चाहते हैं तो जैसे ही कॉन्सुलेट ओपन हो गए, आप वीजा की अर्जी करके वो लेके अमेरिका जा सकते हैं। आपके पास अगर B1 B2 वीजा ऑलरेडी है तो भी आप विमानी सर्विस चालू होने से अमेरिका जा सकते हैं। B1 वीजा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। 22 अप्रैल और 22 जून की जो पाबंदी है वो इमिग्रेंट वीजा के कई लोगों के लिए है और H1B, J और L1 वीजा के लिए है, औरों के लिए नहीं है। तो अगर आप बिजनेसमैन है, आपका इरादा अमेरिका में बिजनेस के कार्य के लिए जाने का ही है, आप वहाँ परमानेंट रहना नहीं चाहते, आप वहाँ बिजनेस करना नहीं चाहते, सिर्फ बिजनेस के इर्द गिर्द की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, आपके पास अमेरिका जाने आने के लिए पैसों का बंदोबस्त है और आपका यहाँ बिजनेस कारोबार अच्छा है, आपका फैमिली अच्छा है, आपका रहने का परमानेंट ठिकाना है, तो फिर आपको बिजनेस वीज़ा में दिक्कत नहीं होगी। और बिजनेस वीज़ा है तो वो लेके अमेरिका में दाखिल होने की कोई परेशानी नहीं रहेगी। एक बात मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि आप जब बिजनेस वीज़ा की अर्जी करें, फॉर्म DS-160 भरे, तो उसमें कोई भी बात गलत मत रख लिखना, क्योंकि वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाती है। आज के कई सालों के बाद भी कहीं से भी अगर आप कनाडा से भी अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी अमेरिका के वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं, तो आज आपने जो फॉर्म DS-160 में लिखा है वो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी कंप्यूटर के जरिए सभी चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो कोई भी चीज़ गलत मत लिखना, गलत डॉक्यूमेंट्स मत दिखाना। तुम सचमुच में एक बिजनेसमैन हो, ऐसा कॉन्सुलर ऑफिसर को कन्विंस कराना, तो आपको बिजनेस वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बताता हूँ कि जब आप बिजनेस वीज़ा की अर्जी करेंगे तो आपको पूछा जाएगा आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, आप यहाँ क्या बिजनेस करते हैं, आपकी आमदनी कितनी है, अमेरिका जाने से आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा, अगर आप अमेरिका नहीं गए तो आपको क्या नुकसान होगा। आप जो बातचीत अमेरिका जाके वहाँ के लोगों से करना चाहते हैं वो क्या टेलीफोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ईमेल से नहीं कर सकते हैं। आपका अमेरिका में कोई है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, किसी ने आपके लिए इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल किया है, आपका यूएसए का कोई भी प्रकार का वीज़ा पहले रिजेक्ट किया हुआ है, अगर आप पहले अमेरिका गए हैं तो आप किस काम से गए थे, कहाँ ठहरे थे, कितने दिन ठहरे थे, क्या क्या किया, ये सब बातें आपको पूछी जाएगी। अगर आप बोलेंगे कि हम अमेरिका में फलाना फलाना एग्जीबिशन में जाना हम चाहते हैं, या ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं, या कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि आपने अपने देश में ऐसे एग्जीबिशन अटेंड किए हैं,
ऐसे ट्रेड फेयर में आप गए हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, और अगर आप इंटरव्यू अंग्रेजी में नहीं देते हैं, हिंदी में देते हैं, गुजराती में देते हैं, कोई और भाषा में देते हैं, तभी भी वो लोग पूछेंगे कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर आप वहाँ जाके बिजनेस के वो इर्द गिर्द की बातें कैसे करेंगे। तो ये सब बातें ध्यान में रखना, और अपना लिबास एक बिजनेसमैन जैसा कहीं पहन के जाना, मुंह पे टेंशन मत रखना, घबराना मत। अगर ये सब आप करेंगे तो आपको बिजनेस वीज़ा का मिलने में तकलीफ़ नहीं होगी। एक और बात, आपको अगर वीज़ा मिल गया, वो लेके आप अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ जब आप एंटर होंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको सब वापिस सवाल करेगा। अगर उसको ऐसा कुछ लगा कि आप बिजनेसमैन नहीं है, आप बिजनेस वीज़ा लेके अमेरिका में परमानेंट रहना चाहते हैं, तो वो आपको अलग से एक अलाइदा कमरे में ले जाएंगे और वहाँ आपकी पूछपरछ करेंगे, आपका मोबाइल मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे, और मोबाइल में आपने किसी को मैसेज किया है, कोई संदेशा भेजा है या रिसीव किया है, वो सब देखेंगे। अगर उसके ज़रिए उनको पता चला कि आप अमेरिका परमानेंट ठहरना चाहते हैं, तो वो आपको वहीं से वापस इंडिया भेज देंगे। मेरा एक क्लाइंट था, सचमुच में बिजनेसमैन था, वो बिजनेस वीज़ा B1 वीज़ा लेके ही अमेरिका जा रहा था। उसकी फ्लाइट थी बॉम्बे, लंदन, न्यूयॉर्क। लंदन पे कुछ 4-5 घंटे की हॉल्ट थी, प्लेन बदलने का था। तो वहाँ उसने कोई बुक स्टोर में मेरी किताब देखी, हाउ टू रिसीव ग्रीन कार्ड, उसने वो खरीदी, और फिर लंदन से न्यूयॉर्क जाते समय 6-7 घंटे प्लेन में वो किताब पढ़ी, कुछ उसको अच्छा लगा तो अंडरलाइन की। उस किताब में मैंने न्यूयॉर्क के कई अटर्नीज के एड्रेस भी दिए थे, तो किसी कारण उसने मार्क टिक किया। उसका इरादा अमेरिका में परमानेंट रहने का नहीं था, वो ग्रीन कार्ड लेना नहीं चाहता था, लेकिन क्या क्या पता उसने किस इरादे से ये सब मार्किंग किया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरा और हाथ में वो किताब है और पासपोर्ट दिया इमिग्रेशन ऑफिसर को। उसने बोला आप क्यों आए, बोला मैं यहाँ बिजनेस के हिस्से से आया हूँ, मैं सिर्फ 15 दिन रहना चाहता हूँ, ये करने का है मुझे। इतने में वो ऑफिसर की नज़र उसके हाथ में जो किताब थी वॉन्ट टू हैव अ ग्रीन कार्ड उसके ऊपर पड़ी। उसने पूछा ये किताब किसकी है, उसने बोला मेरी है, मुझे ज़रा दिखाइए। तो वो मेरे क्लाइंट ने उनको दिखाया, उनके मन में तो कोई पाप नहीं था, उनको तो ग्रीन कार्ड लेना नहीं चाहता, उन्होंने तो किताब दे दी। वो ऑफिसर ने ये किताब ली, पढ़ने उल्टाए और देखा कि कहीं के इन्होंने कुछ अंडरलाइन किया है, कुछ मार्किंग किया है, अटर्नी का एड्रेस भी नाम भी मार्क किया है। तो उसको लगा कि ये आदमी शायद अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेना चाहता है, अमेरिका में परमानेंट रहना चाहता है, तो उसने उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो दर्शक मित्रों, आप साथ में क्या लेके जाते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर से भी शायद ऑफिसर को शंका है कि आप बिजनेसमैन नहीं है लेकिन वह परमानेंट रहना चाहते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए, और अगले टाइम मैं आपको B2 वीज़ा, विजिटर्स वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप वीज़ा के बारे में कोई टेंशन मत लेना। अगर आपको अमेरिका जाना है, आपको कनाडा जाना है, अमेरिका का B1, B2 या कोई भी और प्रकार का वीज़ा लेना है, कनाडा का PR चाहिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। नमस्ते, जय हिंद।